अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेकार ड्राई फ्रूट टी केक। आप लोग एक दफ़ा खाएंगे ना, आप लोगों ने दीवाना हो जाना है। आज मैं आपको बहुत से टिप्स बताऊंगी, बहुत से सीक्रेट्स बताऊंगी केक को सॉफ्ट करने के लिए, बहुत मज़े का बनाने के लिए। अब बस आप वीडियो देखें पूरी। सबसे पहले मैंने केक के लिए 1 कप मैदा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1/2 कप पाउडर शुगर लिया है। उसके बाद मैंने ये ऑयल लिया है 1/4 कप, और उसके बाद मैंने ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया। और ये दो मैंने फ्रिज में से इसको 15 मिनट पहले निकाल लेना अंडों को, ठीक है। उसके बाद मैंने ये 100 ग्राम मक्खन ले लिया। उसके बाद मैंने बादाम, काजू, पिस्ता ले लिया। आपकी मर्ज़ी, आपने डालना है डाल। अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है ड्राई फ्रूट के साथ तो फिर आप बिल्कुल भी मत डालें। अगर नहीं है तो फिर रज के डालें, जितने मर्ज़ी डालें, मज़ा आएगा खाने में। चलें जी, और ये मैं जादू करती हूँ, मेरी जादू से रेसिपी बन गई है बिल्कुल। आप लोगों की नहीं बनेगी, मेरी बनेगी, क्योंकि मेरे पास ही ये स्पेशल किस्म का जादू है। आपको अपने बेडों से उठना पड़ेगा। उठे मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये सबसे पहले मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, जर्दी अलग कर ली है, सफ़ेदी अलग कर ली है। ये अब मैं ये सफ़ेदी को आपने घुमाना है, इतना बीट करना है जैसे दुनिया आपको घुमाती है ना और बीट करती, इसी तरह आपने इसको घुमा घुमा के बीट कर करके ये देखिए इतना फ्लफी सा कलर ना। नखरे नहीं करने के, नहीं भाई हमसे तो होता ही नहीं है। इसको 10 मिनट पूरे करना होगा, हर चीज़ होएगी, मेहनत करें बस। ये अब मैंने इसमें जो जर्दियाँ थी वो भी डाल दी हैं, और अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा बीट करूँगी। ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अब मैंने मक्खन लिया है 100 ग्राम, ठीक है, जिसको अब ये डालेंगे। साथ ही साथ में जो हमने ऑयल लिया था हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये ऑयल, अब ऑयल डालने के बाद बारी आती है जी शुगर की। अब मैंने ये पाउडर शुगर भी डाल दिया, और अब इसको भी आपने बीट करना है, बीट करना, बीट करना, बीट करना, और इतना बीट करना है। ये देखिए ये भी फ्लफ़ी सा हो गया, ये भी फ्लफ़ी होगा। कोई मुझे ये ना कहे कि ये फ्लफ़ी नहीं हो रहा, फ्लफ़ी होता है, सही है, मेहनत करें, सब कुछ होता है। अब ये जो मैंने अंडे वहाँ कर लिए थे, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया मिक्सचर को सारा। मैं ये 1 कप मैदा डाल दूँगी इसके अंदर, और ये मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ जो मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया था वो भी डाल दिया। अब ये देखें जी, ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा थिक हो गया। मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालूंगी। मैं पहले दिखाना भूल गई, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर मैंने दूध भी डाला। अब इसको आपने इतना दूध डाला ना कि ये मिक्सचर जो है इसकी थिकनेस आप देखें, ये इतना थिक हो, ना इससे ज़्यादा थिक हो, ना इससे ज़्यादा थिन हो, ना पतला होना चाहिए, ना गाढ़ा होना चाहिए इतना, ठीक है, ये इस तरह का होना चाहिए। और ये मैंने वनीला एसेंस लिया है, कोई भी कंपनी का आप ले लें, आपको जो सा पसंद है बस आपने ले लेना है। और ये मैंने डाला है, ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, मतलब ये आपने इतना डालना है कि ये 1 टीस्पून हो। मैंने ये ना उस पर ढक्कन में डाला था तो इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो आपने 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून डालें, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आप 1 टीस्पून डालें, इससे ज़्यादा मत डालेगा, ज़्यादा को स्मेल हो जाती है फिर वनीला एसेंस की। यह मैंने इसको ग्रीस कर लिया था बटर पेपर से उसके माउल्ड को, और यह मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दिए। और ये अब मैं इसको मैंने पतीले को मैंने पहले प्री हीट कर लिया 5 मिनट, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर रख दिया, ढक दिया, 45 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। यह 45 मिनट हो गए हैं, 45 मिनट तक मैं इसको छेड़ा नहीं, छेड़ना भी नहीं तो ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपने ना तावले नहीं होना। ये अब ये देखें, ये खाली निकल आया, इस पर कोई मिक्सचर नहीं लगा हुआ, मतलब कि केक पक गया, इसकी निशानी होती है। अगर मिक्सचर लग जाए साथ उसके टूथपिक के या नाइफ़ के, तो आपने दोबारा से ढक देना है, मतलब पक्का नहीं है। ये अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और ये मैंने निकाल दिया, और ये अब आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इतना को सॉफ्ट बना है। अब मैं इसको काट लेती हूँ और फिर मैं इसको खाऊँगी मज़े से आप लोगों के सामने बैठ के। और ये देखें जी, ये केक की सॉफ्टनेस देखें, इंतहाई सॉफ्ट केक बना। जो मैंने आपको टिप बताई है ना कि आपने एग को इतना फ्लफ़ी करना है, अंडों को इतना फ्लफ़ी करना है कि जैसे वो मैंने आपको करके दिखाया, उससे कम फ्लफ़ी करेंगे तो आपका केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। ये अब मैं तो लगी हूँ करने, इन्जॉय अपना केक और अपनी चाय। आप लोग बैठ के बस मुझे देखें, और वीडियो ख़त्म होने के बाद ना ज़रा उठ के थोड़ी सी मेहनत करें और बना के खाएं भी। अब ये जी मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई और रेसिपी आप लोगों को चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुँचेगी सब्सक्राइब करेंगे तो। अब ये जी मैं तो अब खाने लगी हूँ, इन्जॉय करने लगी हूँ। अब मैं जाती हूँ चाचू के पास, चाचू को चेक कराती हूँ कि मेरा केक कैसे बना। और ये मैं अब चाचू के कमरे में आ गई हूँ, और अब मैं चाचू को टेस्ट करवा के आप लोगों को भी साथ दिखाती हूँ। थैंक यू बेटा जान। हाँ आगे बताएं कैसा बना। सच बताओ मुझे। सच बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। थैंक यू थैंक यू। ये मैंने सारा खा देना, इतना मज़े वाला है। सारा खा लो, सारा खा लो, आपको कुछ भी नहीं देना। नहीं आप सारा खा लो।
अब ये बारी है मेरे भाई की, ये जी पबजी बॉय है, हर वक्त पबजी खेलता रहता है। चलो मौसम, हाँ कहता हो केक कैसा बना? मजे के। अब बारी आती है हसन की, अब इसको दिखाते हैं केक। खा के बताओ, खाओ तो सही, तुम क्या कर रहे हो? नहीं वाकई में बहुत मजा आया। बताओ कैसा है? मजा आया वाकई। खा लो खाने, चल छोड़ दे उसको। ना कर हसन, हसन ना उसने ही खाना, हसन ना कर, हसन छोड़ छोड़ उसको। खा लिया, छोड़ खा लिया। हाँ। मजे का लग गया है। चलो हम सोते हैं।